वो बेटी ऊपर देखो इसी के पीछे बहुत सामने अभी मैं जा रहा हूँ, लास्ट बार पूछ रहा हूँ आपको, हम चले जाएं यार। आराम से है ना? हाँ ये दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आप सभी का कुछ तो ऑफिशियल पर। जो मेरे प्यारे भाई बहन है यार, उन सभी को मेरे दिल की गहराई से ढेर सारा प्यार, और जो मेरे से बड़े हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। वापस उसी लोकेशन पे, उसी जगह पे जहाँ पे सुनसान पड़ी है काफी सालों से यार, उसी जो लोकेशन वापिस लौटा है। यहाँ पे आने का रीजन वापिस ये की था कि नरेंद्र भाई ने बोला था, और आप लोग सभी कमेंट भी आए थे उस टाइम, अभी नहीं आ रहे कि यार भैया वापिस आइए। उस चीज़ के साथ ऐसा क्या हुआ था जो आप ड्रेस देखा है ना उसके साथ, मतलब कि आप जो सुरेश आया था उस टाइम, ठीक है साथ में, तो सुरेश ने बोला था कि भैया अगर ये हम ड्रेस देके जा रहे हैं, इसने एक्सेप्ट कर लिया तो भाई हम मानेंगे, हमारे दिल से मतलब कि वो खुशी आएगी कि हाँ हमारी कोई चीज़ इसने मतलब एक्सेप्ट करी है, खुशी मिलेगी अंदर से। फिर उसके बाद में आगे बढ़ने की, इसकी प्रक्रिया में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, बट आ नहीं पाया। यहाँ पर रीजन था यार, वापस गुरुजी ने कहा कि भाई रेगुलर उस लोके मतलब उस जगह पर मत जाना, क्योंकि यार वो चीज़ वापस हावी हो सकती है आप पे, क्योंकि उस टाइम नरेंद्र आया था, नरेंद्र पे हावी हो गई थी वो चीज़ यार, इसलिए वापस इतने टाइम बाद है। यहाँ पे कम से कम करीबन 20 से 25 दिन हो गए ना भाई, आराम से भैया 20 से 25 दिन बाद में वापस यहाँ पे आए यही चीज़ देखने के लिए कि वो ड्रेस जो देखे गया था ना वो एक्सेप्ट करी या नहीं करी। जिस भाई ने भी वो वीडियो नहीं देखी है उसी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाए, एक बार चेकआउट कर लेना, आपको अच्छे तरीके से वो समझ में आ जाएगी ये जो भी चीज़ है, ठीक है। तो आज यार आप लोगों बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं लोकेशन पे, और वापस वही चीज़ जितना हो सके क्लियरली रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, उसको और बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस अब जो मासूम सी लड़की थी ना, इसके साथ भी इतना भयानक हादसा हो रखा है यार, क्योंकि घर वालों की फैमिली की दबाव था इसलिए, ठीक है। चलते हैं भाई, एक बार राउंड कर ले कैमरा, कुत्ते की आवाज़ आ रही है सामने से भौंकने की। टाइम क्या हो रहा है? नहीं हो गया यार भैया, 11:15 तो वहीं हो रही थी हमको, यहाँ नहीं लग गया होगा आधा घंटा, तो 11:45 के बीच में टाइम हो रहा है। हाँ तो यार दोस्तों, उस टाइम दोनों भाई आए थे, क्या हो रहा है भाई, बैटरी को सीधा रख, ऊपर रख इसको, दोनों भाई आए थे सुरेश और मैं, उस टाइम उसको ड्रेस लेके गए थे, बट वो एक्सेप्ट करी या नहीं करी मेरे को पता नहीं है, वो आज पता चल जाएगा। दोस्तों ये जगह ना बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है, वीरान बिल्कुल, आज क्लियर पूरा क्लियर करके चलना है आज यहाँ से, है ना? सबसे मेन चीज आप लोगों को बताई नहीं है, ये दीवार है ना, ये दीवार इसके पीछे
समसा है ना यहाँ पे, समसा कसम से यहाँ पे इसके पीछे, यहाँ पे किसी भाई ने बोला था कि भाई आप जहाँ पे वहाँ पे जा रहे हो ना, किसी भाई यहाँ का आसपास कोई घर है, किसी का मैसेज आया था भाई कि आप जहाँ पे जा रहे हो ना उस लोकेशन के पीछे ही शमशान है, वही चीज़ देखने के लिए आया हूँ, बट यहाँ पे नहीं है। मेरे हिसाब से इस दीवार के पीछे उस तरफ शमशान होना चाहिए भाई, क्योंकि उस भाई का बहुत कहना था कि भैया आप जिस लोकेशन में गए थे ना, ये मेरे घर के आसपास ही, बहुत भयानक है, ध्यान से जाना क्योंकि उसके पीछे शमशान भी है वहाँ पे। ठीक है भाई, ध्यान रखना फिर नींद। तो बहुत ज़्यादा डरावनी है यार, चीज़ भी डरावनी है। अभी तो कोई एक्टिविटी सुन नहीं है ना, वो दिखी यहाँ पे ना होने का ऐसा दिलाया उसने अभी तक। कुत्ते भौंक रहे दोस्तों, रेगुलर कुत्ते भौंक रहे, इतने डरावने कुत्ते तो सामने उस तरफ से अभी अभी आए थे भाई। हाँ ये तो बोलो, वहां से तो आए थे ना यार। क्या हुआ, वहां से आए थे ना यार, कहाँ से आए थे? चलो निकल के इस चीज को देख नहीं पाते ना, सब यही बोलते हैं आपका कैमरामैन सही चीजें दिखाता नहीं है, दिखाते हिम्मत भी तो होनी चाहिए बोले भैया, ऐसी चीज सामने खड़ी हो और कैमरा हो उसके सामने खड़ा लेके खड़ा रहूं। वापिस अंदर चले के इस वाले में, हाँ इस वाले में चलते के, चल इसमें ध्यान से आना चाहिए। बाहर के तरफ कर नीचे आराम से, चल आजा। छत पे चल के आ गया, छत पे एक बार उसमें चलते, फिर वहां ऊपर से छत पे चलेंगे। कुछ रोने को आ जाइए अंदर, ठीक है? इधर से इधर से इधर आ, तो इधर आ जाओ अंदर से आइए। हाँ इधर से इधर से इधर से यहाँ से इधर से बुरे बुरे बैठे बैठे बुरे बुरे वो बैठे ऊपर देख कर देखिए। हाँ 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 भाई साहब सामने है, सामने एक मिनट बात करें। मैं ना मैं आपके लिए जो ड्रेस लेके आया उसने एक्सेप्ट करी है, आपने पसंद आई वो चीज आपको या नहीं आई है? हाँ प्लीज कुछ बोलोगे आप, बताओगे आपके बारे में वो चीज पसंद आई है आपको या नहीं आई है, या मैं आपको पर्सनल ऑफिस करने यहाँ पे आऊं या नहीं हूँ ऑफिस, आपको आप बता सकते हो? अगर हमारा यहाँ पे होना आपको अगर छुप रहा हो या कुछ परेशान कर रहे हैं आपको, तो हम चले जाएंगे यहाँ से। आपके फायदे के लिए आ रहे हैं यहाँ पे वापस, यहाँ पे इतने दिनों बाद वापस आपके फायदे के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे। मैंने सोचा होगा कि मैं जो ड्रेस आपको गिफ्ट करी है, आपको जो दी है वो चीज, वो आपने एक्सेप्ट कर ली होगी, और मैंने ऐसे ही सोचा कि खुशी मिलेगी मेरे को,
कि किसी की मैंने मतलब ऐसी चीजों के साथ मैंने मतलब कि जो चीज दी है वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ली उसने, बट आपने नहीं की है वो कारण, उसका बता सकते हो आप? तो अच्छा यार, उससे बातें कर रहा जैसे आप जैसे इंसान हो जैसे बातें कर रहा है, तो तू उससे एक मिनट ऑफिस करने वाले भाई इंसान नहीं है भाई कसम से, ठीक है ना? ऐसे ऐसे कुछ चीजें होती है दोस्तों यार, इतनी मतलब जो चीजें होती है ना ऐसी अच्छी भी होती है तो बुरी भी होती है, ठीक है, इसलिए बात कर पाता हूँ, ऐसे ऐसे नहीं कर पाते भाई। बोल गुरुजी, ट्रेंडिंग लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है इसकी चीज, इसलिए भाई है ना, ऐसे कुछ नहीं कर पाते भाई। उसके बाद क्या ये आवाज आ रही भाई? छत पे चला जा, छत पे ऊपर ऊपर देख, नीचे 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 इधर से आवाज आ रही है, पीछे से ऊपर ऊपर कहाँ चली गई होगी? ये दिखा दे, ये जगह देखिए बिल्कुल वीरान पड़ी है, ठीक है, इस तरफ से आवाज आ रही थी मेरे को यहाँ से, इस तरफ आ गया, ये देख नीचे से आवाज आ रही है, वापस आ जा, नीचे से आवाज आ रही है, नीचे करना, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं आ रही, इस तरफ आगे करना, सामने एक मिनट, क्या करे अभी, क्या करे देखना है मेरे को, इस तरफ शमशान में देखो, भाई बार हम सर, ये देखिए भाई साहब, इसी के पीछे दोस्तों, इसी के पीछे वो शमशान है यहाँ पे कसम से, ठीक है ना भाई? क्या करे यार, इंदर इधर से आजा, इधर से वापस यहाँ से आए, इधर से आजा, इधर से आजा, तू इधर से आजा, कहाँ से बच्चा आज भी वो अपना होने का ऐसा दिला रही, यहाँ पे खड़ी थी यहाँ पे कसम से, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे खड़ी थी दोस्तों वो अपना होने का ऐसा दिला रही है वो चीज, बट सामने चला जाऊंगा यहाँ से, और आपको वहां से आ जाता, पीछे से आ जाता, उस गए रास्ते से आ जाता ऊपर, हाँ जी हाँ भाई, इस तरफ भैया, इस तरफ भाई, हाँ किसी रूह का पीछा तो नहीं कर सकते, बाहर चल, बाहर बाहर चल, बाहर ऊपर से आवाज आ जाएगी, कहाँ से? ऊपर से आवाज आ जाएगी, यहाँ से ऊपर से आवाज आएगी, यहाँ से ऊपर से, यहाँ यही गई है, यहाँ आस पास यही गई, ऐसा लग रहा है कि ऊपर ही है वो, इधर गई थी नीचे भाई, तू बोल रहे यहाँ पे इस तरफ गई नीचे, बोलो इस तरफ गई थी ना, चार तरफ कर, इस तरफ बोल भाई, अंदर आए अंदर, वहां से वहां पे थी, यहाँ पे ऐसे कैसे, फोन निकलने में भलाई है अपनी, ठीक है यार, ये चीज है ना, इससे बात करने की इच्छा थी, बट मेरी इच्छा मर गई, आज के बाद नहीं आऊंगा मैं बिना यहाँ से, जा रहा हूँ प्लीज, आप बता सकते हो, लास्ट बार पूछ रहा हूँ मैं यहाँ से आपको, मैं चला जाऊँ यहाँ से, और आपको कुछ दिक्कत हो रही है यहाँ पे, हमारा होना आपको अलग लग रहा है, चलना चाहिए मेरे भाई, एक मिनट दौड़ के अंदर, कहाँ चला गया, किस तरफ, किस तरफ गई, कहाँ यार, यार दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, यहाँ पे जितनी बार भी आया हूँ ना, उतनी बार इसने हानि पहुंचाने की कोशिश कर रही है, बट आज कुछ हानि पहुंचा नहीं रही, बट उस होने का साथ डला रही है,
वो जो मेरी चीज थी यहाँ पे इसी जगह पे मैंने पूजा पाठ करी इसके लिए। ये देखो विश्वास नहीं हो, ये देखो ये पड़ी हुई अगरबत्ती, ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा ये कुछ से होगी, इसको मतलब ऐसा लगा होगा कि अपनापन मतलब कि हम दोनों को अपना समझने लगी होगी। दोनों भाई आए थे सूर्य नरेंद्र को लेके आया था, बट इसे जान लगा हमला किया था उसने। कुछ ऐसा लगा कुछ सामने आ रही पीछे ये मेरा खड़ा कुछ। इसके बाद में इस तरफ रोशनी रोशनी कोई नहीं है। ऐसा लगा कसम से कि यहाँ तो कोई खड़ा है, यहाँ पे ऐसा लगा मेरे को ऐसा कुछ खड़ा है। इस तरफ ये आ रही थी कि इसमें से आवाज आ रही, इसमें से ये क्या बोल रहे तुम मेरी तरफ तो रुख नहीं करते कुछ। चलते हैं, मौसम भी खराब हो रहा, बहुत गंदा वाला है। और ये चीज़ नहीं चाहती है कि हमारे यहाँ पे होना, इसको 1% भी पसंद नहीं है। ठीक है निकलते दोस्तों। मेरा आने का मकसद ये ही था यहाँ पे कि ठीक है इसने वो ड्रेस एक्सेप्ट कर ली होगी और उसके बाद में इसको मुक्ति या मोक्ष जो भी होता है ना वो गुरुजी करवा देगा मेरे हिसाब से। तो क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि जो भी चीज़ अगर एक्सेप्ट कर लेना कोई प्यार से कोई अंदर हो रही वो देख अंदर मैं जा रहा हूँ। लास्ट बार पूछ रहा हूँ आपको, हम चले जाएं यहाँ से, हमारा और ना आपको गलत लग रहा तो हम चले जा रहे हैं यहाँ से, वापस कभी नहीं आएंगे आपके लिए, आप ही के लिए आए हम यहाँ पे, चले जाएं यहाँ से हम। कुछ जवाब नहीं तेरे भैया, हमें पानी पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करेगी ये भाई। यार मेरे हिसाब से तो चलना चाहिए भाई कसम से। ठीक है नरेंद्र अच्छा भाई गुरु जी को मत बोलना कि मैं उस जगह जाके आया हूँ। ठीक है हम पे रीजन ये की था कि मैंने ऐसा सोचा होगा कि जैसा मैंने सोचा, मेरा आइडिया से बताता हूँ आप सभी को। मैंने सोचा कि वो ड्रेस एक्सेप्ट कर ली होगी, उसके बाद में गुरु जी का कहना है कि जो भी कोई चीज़ अपने समझने लगे, कोई चीज़ हम दे उसको और वो खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर ले तो उसके साथ उसको मोक्ष भी कर सकता है और उसको मुक्ति भी दिला सकते हैं। ठीक है बट उसने एक्सेप्ट नहीं करी है, यहाँ पे आने का रीजन नहीं है, कोई भी मतलब नहीं रहा। मैंने यहाँ पे बिना गुरु जी को बिना बताया यहाँ पे आया हूँ मैं वापिस, बट वो चीज़ अलग ही है, उनकी इसकी दुनिया में ही रहने चाहती है। इसको बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, अब इसके बाद कभी नहीं आएंगे, इसको दुनिया इसकी दुनिया में ही रहने देते हैं भाई। ठीक है नरेंद्र भाई, ऐसी चीज़ को ज़्यादा छेड़ देना भाई तो सुना है तो देखे हो गया ना वीडियो किसी और हॉन्टेड लोगों की, उनके साथ क्या क्या बीता हुआ भाई। ठीक है अच्छा भाई।